पोषण करते हैं और उन पोषण का इस्तेमाल क्या करते हैं, अपने कार्यों में करते हैं, ऊर्जा के रूप में करते हैं। तो क्या शाकाहारी जीव एवं मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई में भिन्नता होती है? यदि हाँ तो क्यों? तो होता क्या है कि ऊर्जा जो है, यानी कि किसी भी जीवों को जो है काम करने के लिए, किसी भी कार्यों को संपादित करने के लिए और उनके शरीर में जो भी विभाजन है, कोशिका विभाजन है, उसके जो है ना क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा जो है बेहद ज़रूरी है। इस ऊर्जा का जो है ना पूर्ति वे अपने पोषण से करते हैं, चाहे वो शाकाहारी जीव हों, चाहे वो मांसाहारी जीव हों, चाहे वो सर्वाहारी जीव हों, यानी कि वो साग सब्जी खाने वाली हों। जैसे आपके क्या है प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, शाकाहारी जीव है, द्वितीयक और तृतीयक जो है वो आपके मांसाहारी जंतुओं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किसी न किसी वजह से क्या करते हैं, वह किसी न किसी रूप से जो है पोषण करते हैं और उन पोषण का इस्तेमाल क्या करते हैं, अपने कार्यों में करते हैं, ऊर्जा के रूप में करते हैं। तो क्या शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं में आंत की जो लंबाई होती है वो क्या उसमें विभिन्नता होती है? यदि होती हैं तो क्यों होती हैं, आइए हम लोग जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भोजन के अवशोषण के लिए, यानी भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन्स इत्यादि के पाचन के लिए जो है उसका जो है क्या होना, ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से जो है हम लोगों के सेल्स जो है ना उसको क्या कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। बात करें हम लोग पाचन तंत्र की, तो यहाँ पर जो है मुख गुहा से शुरू होता है, यानी कि पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया होती है वो मुख गुहा से शुरू होता है और गुदा द्वार तक चलता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि कुछ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के साथ साथ जो है कुछ एंजाइम्स जो हैं उनके साथ साथ कुछ एसिड्स जो हैं ये शामिल होते हैं, जिस वजह से क्या होता है उस भोजन का ब्रेकडाउन होता है और जो है किसी विशेष अंगों के द्वारा उसका अवशोषण किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जानेंगे कि छोटी आंत की लंबाई जो है ना भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। क्या करती है, छोटी आंत की लंबाई जो है भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। जैसे कि आपके शाकाहारी जंतुओं में क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई क्या होती हैं, अधिक होती हैं, जिससे क्या होता है कि सेलुलोज का पाचन जो है ना वह सही ढंग से हो सके। लेकिन अगर हम लोग मांसाहारी जीवों की बात करें जो क्या करते हैं, मांसों का भक्षण करते हैं, तो उसमें जंतुओं में क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई जो है ना वह क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं, क्योंकि मांसाहारी भोजन का पाचन करने में जो है ना अपेक्षाकृत क्या होता है, सरल होता है, यानी कि मांसाहारी भोजन जो है ना का पाचन करने में क्या होता है, आसानी होती है, जिस वजह से आपके मांसाहारी जीवों में पाए जाने वाले छोटी आंत की लंबाई क्या होती हैं, सरलतः छोटी होती हैं। लेकिन शाकाहारी जंतुओं में क्या होता है, आंत की लंबाई जो है ना बड़ी होती हैं, क्योंकि क्या होता है वो सेलुलोज का पाचन जो है ना सही ढंग से कर सके। अतः जो है क्या होगा, मांसाहारी जीवों की जो है छोटी आंत की लंबाई छोटी होगी और शाकाहारी जंतुओं में जो है छोटी आंत की लंबाई अधिक होगी या बड़ी होगी, जिससे क्या होगा भोजन का सही तरह से जो है ना पाचन और अवशोषण किया जा सके और उन भोजन में उपस्थित ऊर्जा का सही इस्तेमाल उनके विशेष ऑर्गन और ऑर्गन के सिस्टम के द्वारा किया जा सके।